न माधव समो मासो न कृतीन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। अतः माधव मास का बड़ा ही महत्व है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। वैशाख मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है, इसीलिए वैशाख मास का एक नाम माधव मास भी है। वैशाख या माधव मास के दौरान जप तप हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। इस दौरान जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जप तप हवन स्नान दान आदि शुभ कार्य करता है, उसका अक्षय फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कार्तिक मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास के दौरान भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है, यानी उसे जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलती है। वैशाख मास के दौरान घट दान यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विधान है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होंगे। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। इस महीने में और भी बहुत से दान पुण्य के कार्य और बहुत सी वस्तुओं का दान किया जाता है, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह महीना स्नान व्रत करने वाले को चैत्र की एकादशी से ही 35 दिन तक करना चाहिए। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी से वैशाख की पूर्णिमा तक यह व्रत किए जाते हैं तथा 35 वस्तुएं मंदिर में दान करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं, सूर्य उगने से पहले स्नान करें व भगवान के मंदिर में धूप दीप आरती करें, बड़, पीपल, आंकड़ा, तुलसी, केला इत्यादि पूजन वाले पेड़ों को रोजाना जल से सींचे व धूप दीप करके आरती करें, परिक्रमा लगाएं, पथवारी की पूजा करें, फल मिठाई वस्त्र दक्षिणा दान करें, एक मिट्टी का घड़ा पानी का भरकर उसके ऊपर पंखे रखकर ब्राह्मण के घर रखवाएं, साथ में खरबूजा, आम, चीनी, शरबत, ठंडाई आदि का दान करें, मंदिर में सीधा देवे आटा, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, घी, चीनी, गुड़, चावल, दाल, तेल, सब्जियां, आम, ककड़ी, फल, चने की दाल, पान, मिश्री, आंवले का मुरब्बा, गुलकंद, छतरी, खड़ाऊ व मौसम में काम आने वाले फल व सब्जियां दान करें। वैसे तो 12 महीना जो भी ऋतु फल व सब्जियां घर में आवे सबसे पहले ब्राह्मण को देकर ही खाना चाहिए। कलयुग में दान का ही सबसे बड़ा महत्व है। दान पुण्य, उपवास, व्रत, पूजन पाठ, परिक्रमा, सींचना, पेड़ लगाना आदि धार्मिक कार्य करने से सभी प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं व पुण्य बढ़ता है। साथ ही बैसाख महात्म्य पढ़ें और बैसाख की कहानी भी सुनें। बैसाख महीने में किए जाने वाले सभी धार्मिक कार्यों, दान पुण्यों, तप व्रत स्नान आदि का फल अवश्य ही प्राप्त होता है यदि आपने उन्हें श्रद्धा और विश्वास पूर्वक किया है तो। जय श्री राधे।